देखिए, आपका डॉक्टर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कीजिए, या मुझे रोज़ 20-25 जन कॉल करते हैं तो मैं सबसे बात करता हूँ। अगर आपने मुझे कॉल किए रहेंगे और मैंने आपको कॉल बैक नहीं किया होगा, फिर भी आप मुझे कॉल कीजिए। या अब ये वीडियो देखिए, ये सैन बर्नार्ड डॉग है, रैम्बो। ये मेरा 5-6 साल पुराना वीडियो है, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर मैं चाहता तो रैम्बो को विदाउट लीश भी सब कुछ करा सकता था, लेकिन फर्स्ट वीडियो था करके मैं ज़रा कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए विथ लिश सब मैंने कराया। लेकिन वो टाइम पे रैम्बो विदाउट लिश भी ये सब काम करता था मुझसे, इसे मैंने अपना काम दिखाया है। आप ये वीडियो देखिए। देखिए, ये सैन बर्नर है, सैन बर्नो। जब मैं उसे ट्रेनिंग कर रहा था, ये 11 या 12 मंथ का था। कॉम कॉम बहुत ह्यूज डॉग है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। कॉम सेट 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 के बाद डाउन डाउन, उसके बाद रेस्ट रेस्ट, उसके बाद स्लीप। देखिए, ये स्लीप उसने काम बहुत ही फास्ट किया और बहुत अच्छे से किया, लेकिन मेरा ट्रेनिंग स्लो था, मेरा ट्रेनिंग स्लो है। कम, मैंने फिर से इसको कम कराया, रैम्बो को। डॉग का नाम रैम्बो है, लेकिन साइज में बहुत ह्यूज था वो। सिट 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 के बाद डाउन, डाउन के बाद रेस्ट, फिर ज़रा सेकंड के बाद स्लीप स्लीप, फिर जरा सेकेंड के बाद फिर से रेस्ट। लेकिन अब स्लीप से वो रेस्ट हो गया था। फिर काम काम, ये टाइम पे देखिए, रैम्बो के जो ओनर्स थे वो सब लोग आएंगे जाएंगे, मैं उनके सामने ट्रेनिंग करता हूँ। अभी ये शेक हैंड, लुकियो, शेक हैंड शेक हैंड, लुक शेक हैंड, फिर से शेक हैंड शेक हैंड, देखिए शेक हैंड शेक हैंड। अब ये शेक हैंड वो इतनी अच्छे से सिखाए करके सोसाइटी में बहुत जन को शेक हैंड भी अच्छे से देता है वो। ये यूज डॉग है, लेकिन आप लोग डरिए मत, सिस्टम सही होगा। आपके पास स्मॉल डॉग रहने दीजिए, मीडियम साइज़ का, लार्ज साइज़ का, वो अपने हाथ में रहता ही है। अब ये होल्ड लेसन है, होल्ड उसका होल्ड पकड़ने का स्टाइल ही ऐसा ही है। देखिए, वो सिर्फ पकड़ के रखता है, एकदम दबाता नहीं है, होल्ड। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, मतलब गिराएगा नहीं, होल्ड फिर होल्ड। अब ये होल्ड के साथ कम लेसन, कम कम। अभी मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे सब ओनर्स आते हैं जाते हैं, मैं उनके सामने ही सब कुछ करता हूँ, कम सिट, ये होल्ड के साथ है कम। वो देखिए ना, मेरे सामने अभी कितनी बार वो कम सिट हुआ है। तो मैं जाने के बाद ओनर के साथ भी अच्छे से होगा वो, कम सेट सेट, ड्रॉप ड्रॉप, फिर से होल्ड होल्ड। अभी जरा फास्ट फास्ट, सेट कम सेट कम कम। आज अभी रैम्बो कम से कम 6-7 साल का हो गया है, अभी तक उसका कुछ कंप्लेंट नहीं आया है, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही दबा के रखा था ट्रेनिंग के टाइम पे, इसलिए प्यार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितना हो सके अपने डॉग को दबा के भी रखिए। दबा के रखोगे तो ओबीडियंट होगा, अदरवाइज वो अपना ही मनमानी करते रहेगा और एक दिन ज़रा एग्रेसिव होने का चांसेस है। प्यार के साथ साथ आपको उसको दबा के भी रखना है। अभी ये स्टैंडिंग पोजिशन है, स्टैंडिंग
ये स्टे है स्टैंडिंग स्टे, ये सल्यूट, लुक सल्यूट, भी देखिए ना ये सल्यूट है, देखिए ये सल्यूट है। ये बहुत हार्ड लेसन है सिखाने के लिए, क्योंकि यूज डॉग था, लेकिन फिर मैंने इसको सिखाया ये सल्यूट। रैम्बो को मैं और बहुत कुछ सिखा सकता था, लेकिन वो टाइम पे मैं जरा उसका ट्रेनिंग बंद करके मैं नेटिव प्लेस चला गया, फिर मुझे ट्रेनिंग उसका बंद करना पड़ा। लेकिन ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको सब सिखा दिया, ये यू नो ये जितना भी सिखा है वो, उसका वॉकिंग बहुत सही है, आराम से जाता है कंपाउंड में, आराम से घूमता है, किसी को बाक नहीं करता है, किसी को देख के ऐसा एग्रेसिवली ये नहीं करता। तो फिर से मैं उसको सल्यूट बोल रहा हूँ, सल्यूट लुक। ये टाइम पे वो समझा नहीं, लेकिन मुझे उसको छोड़ना नहीं है, अगर मैंने छोड़ दिया फिर वो लाइफ में कभी सीखेगा नहीं। इसलिए कुछ भी काम अपने डॉग को छोड़ना नहीं है, जो आपको कराना है वो करा के ही, लेकिन आराम से। ये उसका सल्यूट है, देखिए ये सल्यूट कि मैं भी एकदम आराम से खड़ा हूँ, और वो भी कितना अच्छे से खड़ा है, अच्छे से सल्यूट कर रहा है। ऊपर से ये बिग ब्रीड है, तो ये है सैन बर्नार्ड डॉग रैम्बो, और ये कंटिन्यूसली 5 या 6 मिनट का वीडियो था।